हेलो फ्रेंड्स जॉन टेक डिजिटल क्लासरूम में आपका स्वागत है आज हम एसएससी मेंस के लिए डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स की स्टडी करेंगे मेंस एग्जामिनेशन के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ये आपका 300 मार्क्स का एग्जाम होगा जिसमें आपके सिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस गिवन होंगे और उसमें से आपको फाइव अटेम्प्ट ठीक है पर क्वेश्चन आपका सिक्सटी मार्क्स का होगा और उस सिक्सटी मार्क्स में भी डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन होंगे और उसमें डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट आपके होते हैं ठीक है जो आपका ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन होगा टू आवर्स का ये इस एग्जाम की सबसे क्रूशल थिंग है कि दो घंटे में 300 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर को आपको अटेम्प्ट करना है ठीक है क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं और थियोटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं ठीक है तो सबसे पहले जब हम स्टील ऑफ स्ट्रक्चर्स की स्टडी यहाँ पे कर रहे हैं तो हम 2012 से 2018 तक के पेपर में स्टील ऑफ स्ट्रक्चर्स का एनालिसिस देखेंगे कि किस सब्जेक्ट किस टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन आए उसके अकॉर्डिंग फिर आगे हम स्टडी प्रोसीड करेंगे तो यहां पर ये यह कर बना हुआ है वाइज मार्क्स का और उस ईयर में किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन आए हुए वो यहां पर आपको बताया हुआ है तो इसमें अगर आप देखोगे 2012 से अगर हम देखें तो 2012 में आपका 40 मार्क्स के क्वेश्चन थे और उसमें जो टॉपिक थे आपके वो रिवेटेड जॉइंट एंड कॉलम डिजाइन ठीक है रिवेटेड जॉइंट आपका कनेक्शन में से है 2013 में अगर हम देखें तो बीम का एनालिसिस एंड डिजाइन का क्वेश्चन था बीम जो टॉपिक है आपका डिजाइन ऑफ फ्लेक्ज मेंबर को हम बीम बोलते हैं तो उसका एनालिसिस एंड डिजाइन का क्वेश्चन था 2014 में आपका फिर से रेविटेड ज्वाइंट एंड वेल्डेड जॉइंट फिर से कनेक्शन टॉपिक्स है और जो मार्क्स थे आपके वो 60 मार्क्स 13 में आपका 30 मार्क्स का था 2015 में अगर आप देखोगे तो एक थियोरटिकल क्वेश्चन था माइल्ड स्टील का कर से रिलेटेड था वेल्ड की थ्योरी टाइप ऑफ वेल्ड और बोल्ट एनालिसिस ये फिर आपका कनेक्शन ये आपका फिर से कनेक्शन का 2016 में अगर आप देखोगे तो फिर से कनेक्शन डिज़ाइन में 35 मार्क्स के क्वेश्चन है 25 मार्क्स के 2017 में फिर वेल्डेड डिज़ाइन एंड 18 में आपका कनेक्शन डिजाइन ठीक है 2015 के बाद में आपका ये 25 के अराउंड मार्क्स का uh, स्टील और स्ट्रक्चर्स आ रहा है और जो मैक्सिमम आपका आया है वो 60 का तो मतलब 30 से 60 के बीच में आपका uh, जो <coughs> पेपर है जब स्टील के जो आएंगे आपके वो 30 से 60 मार्क्स के बीच में वेरी कर रहा है ठीक है अब इसमें अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा जिसके क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके कनेक्शन डिजाइन और कनेक्शन में आपके रिवेटेड ज्वाइंट बोल्टेड जॉइंट और वेल्डेड ज्वाइंट आते हैं तो हम जो स्टडी करेंगे तो सबसे पहले हम कनेक्शन डिजाइन की स्टडी करेंगे कनेक्शन डिजाइन में हम स्टडी करेंगे रिवेटेड ज्वाइंट की उसके बाद में हम करेंगे बोल्टेड जॉइंट फिर हम करेंगे वेल्डेड जॉइंट देन टेंशन मेंबर डिजाइन ऑफ फ्लेक्सरल मेंबर डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर और कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स तो यहां पर हमने ये यह हमारा कोर्स ओवरव्यू है जिसके अकॉर्डिंग हम स्टडी करेंगे कोर्स आउटलाइन इसको हम बोल रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कनेक्शन डिजाइन में हम ये तीन कनेक्शन की स्टडी करेंगे जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट है मैक्सिमम <coughs> जो क्वेश्चन आपके बने हैं जो न्यूमेरिकल्स आए हैं वो आपके कनेक्शन में से आए देन डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर की हम स्टडी करेंगे डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर अगर हम प्रायोरिटी वाइज इंपोर्टेंस की बात करें तो कनेक्शन डिजाइन के बाद में जो आपका नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका कंप्रेशन मेंबर है देन हम पढ़ेंगे फ्लेक्सरल मेंबर की डिजाइन और उसके बाद में हम कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स को यहां पर कवर करेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम कनेक्शन डिजाइन में रिवेटेड कनेक्शन के बारे में स्टडी करेंगे और रिवेटेड कनेक्शन में हम कुछ ब्रीफ में स्टडी करेंगे ब्रीफ में कुछ फॉर्मुलोज को रिवाइज करेंगे जिनके अकॉर्डिंग हम आगे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और जो हमारी अप्रोच होगी वो इस तरीके से होगी कि हम पहले लास्ट ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन है उनको एनालाइज करेंगे उनके अकॉर्डिंग फिर हम और क्वेश्चंस की यहां पर प्रैक्टिस करेंगे जितने ज्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके पेपर अच्छे होने के चांसेस होंगे क्योंकि पेपर आपका दो घंटे में आपको 300 नंबर का पेपर सोल्व करना होता है और जब तक आपको सभी टाइप के क्वेश्चंस पूरी तरीके से हाथ से किए हुए नहीं होंगे तब तक आपका वो पेपर पूरा अटेम्प्ट होगा ही नहीं ठीक है तो जितने आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे उतना ही आपका वो पेपर अच्छा होगा तो यहाँ पर हम सबसे पहले लास्ट ईयर के क्वेश्चंस करेंगे उसके बाद में फिर हम उसके उस टाइप के जो क्वेश्चंस हो गए और और नए क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं उसकी स्टडी यहाँ पर करेंगे तो एक बार हम ओवरव्यू देख लेते हैं रिवेटेड कनेक्शन का तो दो टाइप के रिवेटेड कनेक्शन है या फिर हम बोले कि दो टाइप के कनेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो है सेंट्रिक कनेक्शन और एक है हमारा नेक्स्ट <coughs> है हमारा इसेंट्रिक कनेक्शन सेंट्रिक कनेक्शन क्या होंगे सेंट्रिक कनेक्शन वो होंगे कि जो लोड है वो कनेक्शन के सीजी से पास होगी जो लोड लाइन है वो कनेक्शन के सीजी से पास होगा ठीक है ये तो हमारे सेंट्रिक कनेक्शन है सबसे पहले हम सेंट्रिक कनेक्शन की स्टडी करेंगे नेक्स्ट है हमारे कनेक्शन 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 में क्या होगा कि जो जो का सीजी 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 है 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 जैसे ये आपके छह रिवेट है, इनका जो है, तो लोड लाइन इस CG से पास नहीं हो रहा इससे किसी डिस्टेंस पे पास हो रहा है और इसको बोलते हैं हम ये जो डिस्टेंस होगी लोड लाइन और सीजी के बीच में इसको हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी ठीक है इसी वजह से इनको इसेंट्रिक कनेक्शन बोलते हैं और इसेंट्रिक कनेक्शन में शेयर ये जो आपका यहां पर जब हम यहां पर सेंट्रिक कनेक्शन की बात करेंगे तो इसमें रिवेट पर एक तो आता है शीयर एक आता है बियरिंग ठीक है ये आपने स्टडी किया होगा शेयर आता है और बियरिंग आता है यहां पर शेयरिंग और बियरिंग के अलावा सीजी पर एक आपका मोमेंट भी जनरेट होगा ड्यू टू तो दी सेंट्रिसिटी क्योंकि लोड लाइन और सीजी के बीच में कुछ डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं सेंट्रिसिटी दो टाइप ऑफ इसेंट्रिसिटी यहां पर इन प्लेन इसेंट्रिसिटी एंड आउट ऑफ प्लेन इसेंट्रिसिटी इनका डिफरेंस यह है कि जो आपका लोड लग रहा है वो कनेक्शन के प्लेन में ही लग रहा है जिस प्लेन में आपका कनेक्शन है उसी में लोड जैसे अगर ये मेरा हाथ है यहां पर मेरे रिवेट लगे हुए हैं तो लोड भी इसी प्लेन में लगा हुआ है सेकंड वाला है आउट ऑफ प्लेन कि ये यह यहां पर तो मेरे ल, इस तरीके से अगर आप देखोगे तो यहां पर तो कनेक्शन है लोड यहां पर लगा हुआ है तो जो लोड लाइन है वो

तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप ऑफ ज्वाइंट कितने टाइप के ज्वाइंट होते हैं तो दो टाइप के ज्वाइंट यहाँ पर मैंने बनाए हुए हैं एक तो होता है आपका लेब ज्वाइंट एक होता है बट जॉइंट ठीक है हम रिकॉल कर रहे हैं चीजें जो आपने प्री में पढ़ी होगी उनको हम जस्ट रिकॉल कर रहे हैं ताकि जब हम क्वेश्चंस को सोल्व करें तो हमें कोई इशू ना आए ठीक है थीके? तो यहां पर लेब जॉइंट में क्या होगा दो प्लेट को हम एक एक दो प्लेट्स से उनको ओवरलेप कर देंगे दो के दो से ज्यादा भी हो सकती है तीन प्लेट्स भी हो सकती है तो दो प्लेट्स को अगर आपने ओवरलेप किया या तीन को ओवरलेप किया या फिर हम ऐसा बोलें कि जो आपकी प्लेट्स है उनको अगर हम ओवरलेप करके कनेक्ट करते हैं तो वो आपका लैब जॉइंट है और अगर हम प्लेट्स को ये यहां पर ये जो व्हाइट वाली है ये मेन प्लेट है मेन प्लेट यहां पर ये दोनों ही आपकी मेन प्लेट है जब मेन प्लेट्स को ओवरलेप करेंगे तो लैप जॉइंट। जब मेन प्लेट्स को हेड टू हेड एक सिंगल लाइन में अगर आप रखोगे और उसको फिर आप कनेक्शन करते हो तो उसे हम बोलते हैं बट जॉइंट। अब जब आप सिंगल लाइन में रख रहे हो सेम लाइन में रख रहे हो दोनों प्लेट्स को तो इनको कनेक्शन बनाने के लिए हमें दो प्लेट्स या एक प्लेट अगर आपने दो प्लेट्स लगाई है तो उसे हम डबल कवर बट जॉइंट बोलेंगे और अगर आपने एक प्लेट लगाई है तो उसे हम सिंगल कवर बट जॉइंट बोलेंगे तो ये जो ब्लू वाली है ये आपकी क्या है कवर प्लेट्स। कवर ठीक है ये आपकी कवर प्लेट है और ये जो येलो वाला है ये आपके रिवेट्स है ठीक है तो दो टाइप के कनेक्शन होते हैं आपके लेब जॉइंट एंड बट ज्वाइंट और अगर लेफ्ट ज्वाइंट के रिवेट के बारे में स्टडी करें तो लेफ्ट ज्वाइंट के रिवेट में अगर आपने इस तरीके से जैसे लोड लगाया तो इस लोड की वजह से इस प्लेट में इस डायरेक्शन में बेयरिंग डेवलप होगी ये वाला प्लेट का हिस्सा रिवेट को आगे की तरफ पुश करेगा इस प्लेट का ये वाला हिस्सा आगे की तरफ पुश करेगा तो ये जो आपका है ये तो है बेयरिंग ठीक है प्लेट रिवेट को पुश कर रहा है उसको कंप्रेस कर रहा है तो दो डिफरेंट सरफेस के बीच में स्ट्रेसेस जो होती है उसको हम स्ट्रेसिंग स्ट्रेस बोलते हैं और इस बियरिंग की वजह से जो ये सरफेस है इस सरफेस को अगर आप देखोगे इस सरफेस पर इसके ऊपर वाला हिस्सा डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है इसके नीचे वाला हिस्सा डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है तो ये हिस्सा अगर ये वाला पोर्शन ये ब्लू वाली लाइन इसको रजिस्ट नहीं करेगी तो रिवेट दो हिस्सों में टूट जाएगा ठीक है तो वो कितना रेजिस्टेंस ये देगी कि ये दो हिस्सों में टूटने से बच जाए उसको हम बोलेंगे इसकी शेयर स्ट्रेंथ और उसकी वजह से यहां पर जो स्ट्रेस डेवलप हो रही है वो हो रही है शेयर स्ट्रेस और कितने ऐसे प्लेन है जहां पर शेयर स्ट्रेस हो रही है तो एक सिंगल प्लेन है जहां पर शेयर स्ट्रेस हो रही है तो लैब जॉइंट में सिंगल तो शेयर स्ट्रेस एक ही प्लेन पे शेयर स्ट्रेट डेवलप होगी और एक क्या हो रहा है बियरिंग ठीक है इसके अपोजिट अगर हम यहां पर देखते हैं बट ज्वाइंट में तो बट जॉइंट में हम सबसे पहले बियरिंग देखेंगे तो इधर आप देखो मेन प्लेट में इस तरफ अगर हम लोड इस तरफ पी लग रहा है तो उसकी वजह से बियरिंग की जो डायरेक्शन होगी वो होगी ये वाला इससे इसको पुश करेगा कवर प्लेट्स में अगर आप देखोगे तो कवर प्लेट में इस तरफ तरफ से ये पुश होगा और ये वाला इस तरफ से पूछोगा तो ये जो ग्रीन वाले हमने बनाए ये तो क्या है बियरिंग और अब अगर आप शेयर वाले प्लेन को देखो तो शेयर वाले प्लेन में ये वाला जो लाइन है हमारी इससे ऊपर वाला और नीचे वाला अलग डायरेक्शन में सेम इसी तरीके से इस लाइन पर भी यही वाली सिचुएशन है तो यहां पर शेयर के कितने प्लेन है यहां पर शेयर के दो प्लेन हो गए तो इसमें अगर हम लिखें तो एक तो होगा बियरिंग स्ट्रेस एक होगा आपका डबल शेयर ठीक है और यहां पर शेयर स्ट्रेस कितनी है सिंगल ठीक है तो बट जॉइंट के गेस में जो शेयर आएगी वो डबल प्लेन होंगे वहां पे डबल और उसको हम बोलेंगे डबल शेयर और यहां पर कौन सी होगी सिंगल शेयर ठीक है दो प्लेन अगर रजिस्ट कर रहे हैं शेयर को तो डबल शेयर और अगर सिंगल पेन कर रहा है तो सिंगल शेयर और बियरिंग स्ट्रेस आपकी क्या होगी जब जब आपकी प्लेट रिवेट को पुश करेगा तो उन दोनों के कॉन्टेक्ट सरफेस पे जो स्ट्रेस डेवलप होगी वो क्या होगी बियरिंग स्ट्रेस तो दो टाइप के मेजरली हर बार जॉइंट होते हैं लेफ्ट ज्वाइंट एंड बट ज्वाइंट ठीक है नेक्स्ट में हम देखेंगे स्ट्रेंथ को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं <coughs> तो स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट हम यहां पे देखेंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट में दो चीजें होंगी एक तो होगी आपकी रिवेट्स की स्ट्रेंथ जो आपके रिवेट है वो कितने लोड पे फेल होते हैं और एक होगी आपकी प्लेट की प्लेट आपके कितने लोड पे फेल होगी दोनों में से जो जल्दी फेल होगा उसी के अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रेंथ गवर्न करेगी जैसे आपने दो प्लेट को जोड़ा उनके बीच में रिवेट लगाया अब आप लोड लगा रहे हो तो अगर रिवेट पहले फेल हो गए तो वो जो जॉइंट का फेलियर है वो रिवेट के फेल होने की वजह से और अगर प्लेट पहले टूट गई प्लेट पहले फेल हो गई तो जो वो फेलियर ऑफ जॉइंट होगा वो प्लेट के फेल होने की वजह से होगा ठीक है तो किस तरीके से हम स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करेंगे तो पहले तो हम निकालेंगे रिवेट की स्ट्रेंथ फिर हम निकालेंगे प्लेट की स्ट्रेंथ और इन दोनों में से जो आपकी मिनिमम स्ट्रेंथ होगी वो क्या कहलाएगी स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट ठीक है तो यहां पर अगर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट की हम बात करें तो रिवेट में दो चीज़ें आ रही थी अभी आपने देखा एक तो बियरिंग स्ट्रेस और एक आ रही थी शेयरिंग स्ट्रेस तो हम निकालेंगे बियरिंग वाली स्ट्रेंथ और एक निकालेंगे शेयरिंग वाली स्ट्रेंथ रिवेट की इन दोनों स्ट्रेंथ में से जो मिनिमम होगी उसको हम बोलते हैं रिवेट की रिवेट वैल्यू एक सिंगल रिवेट को आप उठा लो उसकी वो उस वो कितने लोड पर बियरिंग में फेल हो रहा है और कितने लोड पर शेयरिंग में फेल हो रहा है जो लोड कम होगा वो उसको हम बोलेंगे रिवेट वैल्यू और उसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि एक सिंगल रिवेट इतने लोड पर फेल हो सकता है वो बियरिंग में भी हो सकता है और वो शेयरिंग में भी डिपेंड करेगा कौन सी वैल्यू कम है तो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं उसको हम यहाँ पे ब्रीफली स्टडी कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट में सबसे पहला है शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल रिवेट एक सिंगल रिवेट की जो शेयरिंग स्ट्रेंथ है उसको हम देखेंगे तो शेयरिंग स्ट्रेंथ क्या होती है यहाँ पर हमने एक एक्सप्रेशन लिखा है अब आप जब स्ट्रेंथ निकालोगे तो स्ट्रेंथ में दो चीज़ें होती हैं एक तो रजिस्टिंग एरिया कौन सा एरिया रजिस्ट कर रहा है और, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं परमिसिबल स्ट्रेस से तो ये जो पोर्शन है यहाँ पर ये तो है रजिस्टरिंग एरिया जिस्टिंग एरिया और यह है आपकी परमिशिबल परमिशिबल स्ट्रेस ठीक है जो एरिया रजिस्ट करेगा वो रजिस्टिंग एरिया और उसको फिर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो परमिसिबल स्ट्रेस से तो यहां पर रजिस्टिंग एरिया क्या हो रहा है फाइव बाई फोर इंटू डी जीरो का स्क्वायर इंटू सिग्मा एसपी डी जीरो है? है पर और रिवेट ठीक है तो रेजिस्टिंग एरिया दी लेकिन अगर डबल शेयर है जैसा ये पिछले वाले में था अगर दो प्लेन है जो शेयर को रजिस्ट कर रहे हैं तो क्या करेंगे हम जो सिंगल शेयर वाली स्ट्रेंथ थी उसको दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डबल शेयर के लिए हमने क्या करा जस्ट यहां पे टू से मल्टीप्लाई किया टू इंटू पाई बाई फोर इंटू डी जीरो का स्क्वायर इंटू दी सिग्मा एस पी ठीक है अब इसमें हम देखें तो डी है यहां पर डायमीटर ऑफ़ रिवेट होल या फिर इसको बोलते हैं ग्रोस डाया ऑफ रिवेट रिवेट का ग्रोस डाया ये किस पे डिपेंड करता है ये रिवेट के डायमीटर पे ही डिपेंड करेगा कि, कि अगर रिवेट का डायमीटर ये डी है हमारा रिवेट का इसको बोलते हैं हम नॉमिनल डॉफ रिवेट नॉमिनल डायट अगर 25 पच्चीस mm से कम या उसके बराबर है तब तो हमारा जो डी जीरो होगा वो होगा डी प्लस वन पॉइंट फाइव एमएम और अगर आपका नॉमिनल डायमीटर डायमीटर ऑफ रिवेट 25 एमएम mm से ज्यादा है तो उस केस में हमारा डी जीरो होगा डी प्लस टू एम ठीक है तो दो एम एम इंक्रीज कर देंगे अगर पच्चीस एम mm से ज्यादा है तो सिग्मा एस पी आपकी परमिसिबल शेयर स्ट्रेस फॉर रिवेट ठीक है ये आपके क्वेश्चन में गिवन होती है तो जो रिवेट के मटेरियल के लिए जो परमिसिबल शेयर स्ट्रेस है वो तो है सिग्मा एस पी तो ये तो हमने देखी रिवेट की एक सिंगल रिवेट की शेयरिंग स्ट्रेंथ इसी तरीके से सिंगल रिवेट की बियरिंग स्ट्रेंथ देखेंगे तो बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल रिवेट इसको हम शो करते हैं पी बी से ये होगी डी जीरो इंटू टी इंटू सिग्मा बी एस तो उसी तरीके से ये आपका है रजिस्ट्रिंग एरिया और ये है आपकी परमिशिबल स्ट्रेस तो जब कभी कभी भी आपको स्ट्रेंथ निकालनी है तो स्ट्रेंथ दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन होता है कौन सा एरिया जो रजिस्ट कर रहा है वो कितनी मैक्सिमम स्ट्रेस आप परमिट कर सकते हो उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको स्ट्रेंथ मिल जाएगी तो सिंगल रिवेट की बियरिंग स्ट्रेंथ क्या होगी डी जीरो इंटू टी इंटू सिगमा बी एस ठीक है सिग्मा बी एस इज दी परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ बियरिंग परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ रिवेट इन बियरिंग ठीक है टी यहाँ पर डी uh, जीरो यहाँ पर डायमीटर ऑफ रिवेट होल है टी हम देखते हैं कि टी हमें क्या लेना है ठीक है टी के हमारे पास दो केस हैं लैब जॉइंट और बट जॉइंट में से हम देखेंगे तो जो आपका अगर लैब जॉइंट है तो लैब जॉइंट के दोनों प्लेट की जो दोनों प्लेट की थिकनेस में से जो मिनिमम थिकनेस होगी उसको हम टी लेंगे बट के केस में जो हमारा टी मिनिमम होगा बट के केस में जो हम टी लेंगे वो होगा आपका मिनिमम ऑफ टीसी वन प्लस टी सी टू एंड टी एम दोनों कवर प्लेट की थिकनेस का समेशन और मेन प्लेट की थिकनेस में से जो मिनिमम होगा उसको हम यहां पर लेंगे ठीक है जो टी लेंगे वो क्या हम लेंगे दोनों कवर प्लेट की जो थिकनेस है उनके समेशन और मेन प्लेट की थिकनेस में से जो मिनिमम होगा उसको यहां पर हम स्ट्रेड उसको हम यहां पर देखेंगे तो दो केस बन रहे थे एक लेफ्ट जॉइंट का एक बर्ड जॉइंट का लेफ्ट जॉइंट में दोनों प्लेट की थिकनेस में से जो मिनिमम थिकनेस होगी उसको हम यहाँ पर टी लेंगे और बर्ड जॉइंट में जो आपकी मेन प्लेट की थिकनेस और कवर प्लेट की थिकनेस के समेशन में से जो मिनिमम आएगा उसको हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे ठीक है अब यहां पर हमने देखा रिवेट वैल्यू रिवेट वैल्यू क्या होगा रिवेट वैल्यू होगा पी और पीबी में से जो आपका मिनिमम है और ये क्या होता है ये होता है स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल रिवेट ठीक है एक सिंगल रिवेट की स्ट्रेंथ शेयरिंग और बियरिंग में से जिस पर वो फेल होगा वो उसकी स्ट्रेंथ है ठीक है तो एक सिंगल रिवेट की स्ट्रेंथ क्या होगा उसकी एक बार हमने शेयरिंग स्ट्रेंथ निकाली बेरिंग स्ट्रेंथ निकाली उसमें से जो सबसे मिनिमम है वो इस सिंगल रिवेट की स्ट्रेंथ है ठीक है तो उसको हम बोलते हैं रिवेट वैल्यू इसका यूज़ क्या है वो हम देखेंगे आगे ये तो हमने रिवेट की स्ट्रेंथ निकाल ली ठीक है ये अभी तक हमने निकाली एक सिंगल रिवेट की स्ट्रेंथ हमें सभी रिवेट की स्ट्रेंथ निकालनी है तो हम उसको नंबर ऑफ रिवेट से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हम ये अजम्पशन लेकर चलते हैं कि जो सारे जो भी रिवेट हैं वो सारे एक साथ में फेल होते हैं और एक साथ में फेल होने का मतलब ये है कि सभी रिवेट की स्ट्रेंथ क्या है सेम तो हम क्या करेंगे अगर हमें सभी सब, रिवेट की स्ट्रेंथ चाहिए तो हम क्या करेंगे इस रिवेट वैल्यू को जितने नंबर ऑफ रिवेट है उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे सपोज करो नंबर ऑफ रिवेट आपके सिक्स है तो सिक्स इंटू आर वी क्या हो जाएगा जो रिवेट्स है उन उन सभी रिवेट्स की स्ट्रेंथ ठीक है अभी हमने क्या निकाला हमने सिर्फ सिंगल रिवेट की स्ट्रेंथ निकाली तो सभी रिवेट की स्ट्रेंथ हो जाएगी एन इंटू आर वी अब हम निकालेंगे प्लेट की स्ट्रेंथ तो जो प्लेट की स्ट्रेंथ है और सारे जो रिवेट्स उनकी स्ट्रेंथ है उनमें से जो मिनिमम होगा वो हो जाएगी आपकी उस रिवेटेड कनेक्शन की स्ट्रेंथ ठीक है प्लेट की स्ट्रेंथ हमारी होती है बी माइनस एनडी जीरो इंटू टी इंटू सिग्माइटी सेम ये आपका है रेजिस्टिंग एरिया रजिस्टिंग एरिया और ये है परमिसिबल स्ट्रेस ठीक है है परमिसिबल स्ट्रेस रेजिस्टिंग एरिया हमने बी माइनस एनडी जीरो प्लेट है थिकनेस ऑफ प्लेट है ये यह एनडी जीरो हम डायग्राम समझते हैं यहां पर अगर इसमें आप देखोगे इस कनेक्शन में तो जहां जहां पर आपने रिवेट किया रिवेटिंग की है तो रिवेटिंग के लिए आपको प्लेट में होल करना पड़ेगा और प्लेट में होल करते ही प्लेट की जो इफेक्टिव प्लेट का जो रजिस्टर जो एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया वो रिड्यूज होगा और वो कितना रिड्यूज होगा वो आपका रिडक्शन जो होगा वो रिडक्शन होगा आपकी विर्थ में और में कितना रिडक्शन होगा जो आपके रिवेट होल का डायमीटर है ठीक है जैसे यहां पे तीन है तो बी माइनस थ्री डी जीरो जो बची बची वो कितनी बची, जो टोटल विर्थ थी उसमें से आपने रिवेट होल के डायमीटर को माइनस कर दिया इंटू फिफ्टी तो वही हम यहां पर कर रहे हैं बी माइनस एनडी जीरो इंटू टी इंटू सिग्मा एटी सिग्मा एटी आपकी परमिसिबल स्ट्रेस है एटी का मतलब होगा एक्सिल टेंशन में प्लेट की परमिसिबल स्ट्रेस प्लेट मटेरियल की परमिसिबल स्ट्रेस इन टेंशन ठीक है तो यहां पर अगर आप इसमें देखोगे तो ये विड्थ है, है तो थ्री इंटू डी जीरो दो होल होंगे तो टू इंटू डी जीरो इन टू टी ये तो रेजिस्टिंग एरिया ये रेजिस्टिंग एरिया इन टू परमिशिबल स्ट्रेस तो बी है आपकी विड्थ ऑफ प्लेट एन है नंबर ऑफ रिवेट्स इन ए क्रिटिकल सेक्शन कौन सा सेक्शन है जिस पर से प्लेट सबसे पहले फेल हो सकती है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल सेक्शन एटी होगी थिकनेस ऑफ प्लेट और सिग्मा एटी होगी परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ प्लेट मटेरियल इन एक्सेल टेंशन परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ प्लेट मटेरियल इन एक्सेल टेंशन और उसकी वैल्यू होती है जीरो पॉइंट सिक्स एफ वाई जनरली एफ का एफ वाई जो होता है वो होता है टू फिफ्टी तो उस केस में जीरो पॉइंट सिक्स आता है आपका वन न्यूटन पर एम ठीक है तो ये प्लेट की टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी अब आपने रिवेट की स्ट्रेंथ और प्लेट की स्ट्रेंथ दोनों को देख लिया अब इनमें से जो मिनिमम स्ट्रेंथ होगी वो आपकी रिवेटेड जॉइंट उस कनेक्शन की स्ट्रेंथ होगी तो उसको यहां पर हमने देखा है स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट एन इंटू आर वी मैंने बोला ही था कि एक सिंगल रिवेट की स्ट्रेंथ निकाल करके उसको जितने नंबर ऑफ रिवेट है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो वो तो सारे जो रिवेट्स है उनकी स्ट्रेंथ और जो पीटी है प्लेट की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है उनमें से जो मिनिमम होगा वो तो आपकी क्या है स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट ठीक है अब यहां पर एक चीज आती है कि हमारे लिए एफिशिएंसी क्या होगी क्या एफिशिएंट कनेक्शन होगा कि आ, प्लेट आपकी पहले फेल हो या आपका रिवेट पहले फेल हो तो कौन सी ऐसी कंडीशन हमारे लिए मोस्ट इफिशियंट होगी तो अगर हमारी प्लेट रिवेट से पहले फेल होती तो वो हमारी मोस्ट इफिशियंट कंडीशन है क्यों क्योंकि इसमें आपका जो प्लेट है उसका मटेरियल की पूरी स्ट्रेंथ हमारी यूटिलाइज हो रही है ठीक है अगर आपके रिवेट प्लेट से पहले फेल हो जाते हैं तो आप कितनी भी साइज की प्लेट प्रोवाइड करोगे रिवेट फेल होते ही उस प्लेट की साइज का आ, होने का कोई मतलब नहीं है ठीक है तो अगर आपकी प्लेट पहले फेल होती है तो जो प्लेट का मटेरियल है जो प्लेट का आपने क्रॉस सेक्शन प्रोवाइड किया उसकी पूरी स्ट्रेंथ को हम यूटिलाइज कर रहे हैं ठीक है थीके? तो हमारे लिए इफिशियट कंडीशन ये होगी कि प्लेट आपकी रिवेट से पहले फेल हो ठीक है अगर रिवेट पहले ही फेल हो जाएंगे तो प्लेट की जितनी भी आपने साइज प्रोवाइड करी उसका कोई मतलब नहीं होगा आप ज्यादा की भी प्रोवाइड करोगे ज्यादा थिकनेस की या ज्यादा विर्थ की भी प्लेट प्रोवाइड करोगे तो भी अगर रिवेट पहले फेल हो रहे हैं तो उस प्लेट की साइज बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है तो हमारा जो इफिशियंट कनेक्शन इफिशियंट कनेक्शन क्या होगा कि प्लेट आपकी पहले फेल हो ठीक है तो ये तो आपकी जनरल कंडीशन स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट क्या होगा रिवेट की स्ट्रेंथ और प्लेट की स्ट्रेंथ में से जो आपका मिनिमम है लास्ट इसमें आता है एफिशिएंसी हमें एफिशिएंसी भी निकालनी होती है कि, कि कितना जो कनेक्शन आपने डिजाइन किया वो कितना एफिशिएंट है ठीक है तो एफिशिएंसी <coughs> क्या होती है एफिशिएंसी होगी कि जो आपकी जॉइंट की स्ट्रेंथ है डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट भाई अगर कनेक्शन आप कौन सी कंडीशन में करते हो कनेक्शन आप उस कंडीशन में करते हो जब आपको जो आपको लेंथ ऑफ मेंबर चाहिए था उतनी लेंथ का मेंबर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करोगे दो प्लेट्स को जोड़ दोगे जैसे आपको दस मीटर चाहिए लेंथ और आपके पास पांच मीटर के दो हैं तो आप दो पांच मीटर की प्लेट्स को जोड़ दोगे ठीक है अब पांच फीटर की प्लेट को जब आपने जोड़ा है तो उस कनेक्शन की कुछ स्ट्रेंथ है वो कैसे निकालते हैं वो हमने देख लिया अब अगर आपकी दस मीटर ही अवेलेबल होती तो उस कंपेरिजन में जब आप कनेक्शन कर रहे हो तो इसका जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा एफिशियंसी ऐसे बोल सकते हैं कि जो कनेक्शन है उसने सोलिड प्लेट की स्ट्रेंथ का कितना प्रतिशत कितना परसेंटेज अचीव कर लिया वो उसकी क्या है एफिशिएंसी ठीक है और इसको इधर हंड्रेड से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट तो ये है स्ट्रेंथ तो सॉलिड प्लेट क्या होगा सॉलिड का मतलब उसमें कोई होल है ही नहीं ठीक है कोई होल नहीं है तो बी इंटू टी इंटू क्या हो जाएगा सॉलिड प्लेट का मतलब ये कोई भी रिवेट होल नहीं है इसमें ठीक है तो ये तो रजिस्टिंग एरिया और ये आपकी परमिसेबल स्ट्रेस ठीक है <coughs> तो ये हमने ब्रीफ में फिर से जो आपका एनालिसिस था उसको हमने रिकॉल किया कि किस तरीके से रिवेट की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करते हैं किस तरीके से हम प्लेट की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करते हैं इसके बाद में अब हम जो लास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं उनके अकॉर्डिंग उन क्वेश्चन के साथ साथ उनके अकॉर्डिंग जो जो क्वेश्चन आपके पॉसिबल इसमें बन सकते हैं रिवेटेड कनेक्शन में उन सबकी स्टडी को यहाँ पर हम करेंगे ठीक है <coughs> नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप ऑफ क्वेश्चन दो टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं एक तो होता है आपका डिजाइन प्रॉब्लम एक होते हैं हमारे एनालिसिस प्रॉब्लम डिजाइन प्रॉब्लम में आपको कोई पर्टिकुलर लोड गिवन होगा कि इतने लोड को रजिस्ट करने के, के लिए और आपको टाइप ऑफ कनेक्शन गिवन हो भी सकता है या नहीं भी होगा जैसे आपको बोल दिया कि लैब जॉइंट है और आपको एक लोड दे दिया तो आपको गिवन लोड के लिए टाइप ऑफ जॉइंट को डिज़ाइन करना होता है इसमें आपको प्लेट की साइज और जो आपका रिवेट है नंबर ऑफ रिवेट्स आपको निकालने होते हैं अगर आप डबल का बर्ड जॉइंट डिज़ाइन कर रहे हो तो आपको कवर प्लेट की साइज़ को भी इसमें फाइंड आउट करना होगा तो अगर आपको लोड गिवन है और पूरा अरेंजमेंट बनाना है तो वो आपका डिज़ाइन प्रॉब्लम है इसका जस्ट अपोजिट होगा कि आपको अरेंजमेंट गिवन है आपको आपको टाइप ऑफ कनेक्शन गिवन है आपको नंबर ऑफ रिवेट्स गिवन है आपको प्लेट की साइज गिवन है और आपसे अब आप पूछा है कि इसकी स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी फाइंड आउट करो ठीक है तो दोनों अलग अलग, अलग चीजें दो डिजाइन प्रॉब्लम में तो आपको वो लोड दे दिया जिसके लिए आपको पूरा कनेक्शन अरेंजमेंट बनाना है वो तो डिजाइन प्रॉब्लम और एनालिसिस प्रॉब्लम क्या है कि आपको अरेंजमेंट पूरा दे दिया और आपको उसकी स्ट्रेंथ और एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी ये आपके एनालिसिस प्रॉब्लम है ठीक है तो इन दोनों में डिफ्रेंशिएट होना चाहिए क्वेश्चन को पढ़ते ही पता चल जाना चाहिए कि डिजाइन प्रॉब्लम है या फिर ये एनालिसिस प्रॉब्लम है ठीक है तो हम इस तरीके से स्टडी करेंगे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर हम देखेंगे कि ये किस तरह का क्वेश्चन है <laughs> तो यहां पर अभी हम सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन एनालाइज करेंगे जो 2014 में एसएससी मेंस में आया था तो पहले उसको हम स्टडी करेंगे कि ये डिजाइन प्रॉब्लम्स में से है या फिर ये एनालिसिस प्रॉब्लम में है तो एक बार क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं तो ए सिंगल रिवेटेड लैब ज्वाइंट आपको ज्वाइंट दिया हुआ है ए सिंगल रिवेटेड लैब ज्वाइंट इज यूज टू कनेक्ट ट्वेल्व एम एम थिक इज यूज टू कनेक्ट ट्वेल्व एम एम थिक प्लेट्स प्लेट्स की साइज भी आपको दे दी और कनेक्शन का टाइप भी आपको दे दिया स्टार्टिंग के दो लाइन से आपको पता चल जाना चाहिए कि ये आपका एनालिसिस वाला प्रॉब्लम है इसमें आपसे स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी फाइंड आउट करवाई जाएगी क्योंकि आपको किस टाइप का कनेक्शन है और प्लेट की साइज दोनों यहाँ पर आपको गिवन है ठीक है तो एक सिंगल रिवेटेड लैम्प जॉइंट इज यूज्ड टू कनेक्ट ट्वेल्व एम थिक प्लेट्स बाय प्रोवाइडिंग ट्वेंटी एम एम रिवेट एट फिफ्टी एम एम पिच बारह एमएम mm की दो प्लेट्स को लेफ्ट लेफ्ट जॉइंट से कनेक्ट किया है बीस एम एम रिवेट उसमें लगे हुए हैं और पिच कितनी है आपकी पचास एम एम ठीक है डिटरमाइन दी स्ट्रेंथ आपको निकालनी है ऑफ दी ज्वाइंट एंड ज्वाइंट एफिशियंसी एफिशियंसी आपको फाइंड आउट करनी है टैक वर्किंग स्ट्रेस इन शियर इन रिवेट रिवेट की जो परमिशिबल स्ट्रेस है वो दिया आपको एटी न्यूटन पर एमएम इसका वर्किंग स्ट्रेस इन बेयरिंग बेयरिंग आपको गिवन है 250 न्यूटन पर स्क्वायर वर्किंग स्ट्रेस इन एक्सेल टेंशन इन प्लेट प्लेट की जो एक्सेल टेंशन वाली स्ट्रेस है वो भी आपको गिवन है 156 न्यूटन पर स्क्वायर तो आपको अरेंजमेंट गिवन है और आपसे स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी यहाँ पर पूछी है तो ये एनालिसिस वाला प्रॉब्लम है किस टाइप का प्रॉब्लम है एनालिसिस ठीक है 2014 का क्वेश्चन है 40 मार्क्स का क्वेश्चन है <coughs> तो इसको हम एनालाइज करेंगे तो पहले हम बनाएंगे अरेंजमेंट उस अरेंजमेंट से हम स्ट्रेंथ किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं आपने अभी जस्ट पहले ही पढ़ा है रिवेट की स्ट्रेंथ निकालेंगे प्लेट की स्ट्रेंथ निकालेंगे जो मिनिमम है वो कनेक्शन की स्ट्रेंथ हो जाएगी और एफिशिएंसी हम क्या करेंगे जो स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन है डिवाइडेड बाई जो सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करेंगे ठीक है अब इस क्वेश्चन में <coughs> एक आपको प्लेट की विड्थ गिवन नहीं है और नंबर और रिवेट्स कितने वो आपको यहां पर गिवन नहीं है ठीक है तो इसको एनालाइज करने का तरीका हमारा क्या होगा सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे सॉल्यूशन लैब जॉइंट है तो दो प्लेट्स आपकी 12 एम mm थिकनेस की दो प्लेट्स कनेक्टेड है सिंगल रिवेटेड मतलब आपका जो रिवेट है उसकी एक ही लाइन है ये तो हमारा क्रॉस सेक्शन जो थिकनेस है ट्रायल है इसका अगर हम प्लान बनाए ये दो प्लेट्स ओवरलैप है और जो रिवेट है वो आपको पता नहीं है कितनी उनके नंबर्स हैं लेकिन आपको एक डेटा गिवन है कि सिंगल रिवेटेड है मतलब एक लाइन है रिवेट्स की और इनकी जो पिच है अब देखो यहां पर सिर्फ एक ही लाइन है अगर दो लाइन होती <coughs> तो <coughs> जैसे हम यहां पर देखें कि ये यहां पर ये लोड है इस रिवेट की अगर हम बात करें तो इसकी हम दो डिस्टेंसेस इस रिवेट की अगर हम बात करें तो इसकी हम दो डिस्टेंस निकाल सकते हैं एक तो इसके सेंटर टू तो सेंटर इस वाले रिवेट को कनेक्ट की डिस्टेंस निकाल सकते हैं और एक इसकी हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं ये दोनों रिवेट इसके ठीक है, एड़्जासेंट मतलब बिल्कुल पास वाले, है? डिस्टेंस को आप किस डायरेक्शन में मेजर करते हैं उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन चेंज होती है कि अगर लोड की डायरेक्शन में अगर आप दो कंजेटिव रिवेट्स के बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देखोगे तो इसको तो हम बोलते हैं पिच और दो <coughs> जो लोड है उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दो कॉन्जिक्यूटिव रिवेट्स की सेंटर से सेंटर जो डिस्टेंस हम हम देखते हैं उसको हम बोलते हैं उसको बोलते गेज ठीक है तो ये तब डिफाइन होगा जब आपकी लाइंस एक से ज्यादा होगी अब यहां पर सिंगल लाइन है सिंगल रिवेटेड का मतलब एक लाइन ही है रिवेट की और अब यहां पर बोल दिया पिच अब अगर लोड हमारा इस डायरेक्शन में है तो ये जो इनके बीच की डिस्टेंस होनी चाहिए वो वैसे तो गेज होनी चाहिए लेकिन पिच यहाँ पर है ही नहीं कोई तो ये जो हम डिस्टेंस यहाँ पर लेंगे वो आपकी हम यहाँ पर जो गेज है उसी को ही हम पिच कंसिडर करेंगे फिफ्टी एम ठीक है और ये यहाँ पर ये फिफ्टी एम एम ठीक है क्लियर है अगर सिंगल लाइन एक लाइन से ज्यादा लाइन होती तो आपको क्वेश्चन में पिच और गेज दोनों अलग अलग गिवन होते हैं लेकिन यहाँ पर एक सिंगल लाइन है तो इन्होंने पिच बोल दिया तो उसी वो जो एक्चुअल में जो गेज होनी चाहिए थी, उसी को हम पिच कंसिडर करेंगे ठीक है क्योंकि आप कर क्या रहे हो कर तो आप सेम ही चीज रहे हो कि दो कॉन्जिक्यूटिव रेज के रिवेट्स के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ले रहे हो ठीक है तो यहां पर सिर्फ एक ही डिस्टेंस डिफाइन हो सकती है गेज और उसको यहां पर क्या बोल दिया पिच अब नंबर और रिवेट कितने ये हमें गिवन ही नहीं है तीन चार पांच कितने भी हो सकते हैं क्यों ऐसा नहीं गिवन क्योंकि आपको आपको तो तो प्लेट प्लेट भी गिवन नहीं। भी आपको क्या गिवन नहीं है 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 सिर्फ क्या की थिकनेस ठीक तो अब इस टाइप के में जब हम स्ट्रेंथ निकालेंगे जैसे वहां पर आपने देखा था पहले कि जो आपकी सिंगल रिवेट की हम अगर स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं तो उसको फिर हम नंबर और रिवेट से मल्टीप्लाई करते हैं ठीक है तब जाकर के हमें सभी रिवेट की स्ट्रेंथ मिलती है और प्लेट में हम जो प्लेट की विड्थ है उसमें से हम जो जितने नंबर ऑफ रिवेट्स के, के आ रहे हैं उनको माइनस करते हैं इंटू दी मल्टीप्लाई करते हैं लेकिन पर भी नहीं, और भी आपको नहीं है तो स्टडी हम क्या करते हैं पर गेज लेंथ ठीक है length, किस तरीके से हम लेंगे यहां से अगर मैं इन दोनों के बीच में एक सेंटर लाइन ड्रॉ करूं और इनके बीच में सेंटर लाइन ड्रॉ करूं तो यह भी आपका 50 एम mm आएगा और इसको हमने बोल दिया पर पिच एक पिच अब इस फिफ्टी एम एम ही हम ये देखेंगे कि कितने रिवेट आ रहे हैं और इस 50 एम mm एम के लिए ही हम प्लेट की टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालेंगे और एंड में जो हम स्ट्रेंथ दिखेंगे उसको हम बोल देंगे पर पिच स्ट्रेंथ और जो एफिशिएंसी आएगी वो भी क्या आ जाएगी पर पिच एफिशिएंसी ठीक है क्योंकि आपको सिर्फ यह दे दिया कि दो रिवेट के बीच में डिस्टेंस कितनी है आपको नंबर ऑफ रिवेट्स गिवन नहीं है ठीक है तो यहां पर आप जब एनालिसिस करेंगे तो अब हमारे जितने भी हम रिवेट कंसीडर करेंगे कि भाई आपने सिंगल रिवेट की स्ट्रेंथ निकाली उसके बाद में जो आप तो, सभी रिवेट की जब स्ट्रेंथ की आप बात करोगे तो भी आपके पर पिच में कितने आ रहे हैं एक रिवेट अगर यहां पर दो लाइन होती जैसे एक लाइन सपोज करो यहां पर इस तरीके से होती तब तो पर पिच में आपके कितने रिवेट आ जाएंगे दो लेकिन यहां पर लाइन कितनी एक तो पर पिच में भी आपके रिवेट कितने हो जाएंगे वन तो एक जो सिंगल रिवेट की स्ट्रेंथ है वही आपकी जो रिवेट की टोटल स्ट्रेंथ है उसके इक्वल होगी ठीक है और जो प्लेट की हम टेनसाइल स्ट्रेंथ निकालेंगे, निकालेंगे? Mm कंसिडर करेंगे ठीक है अब सबसे पहले यहां पर आपको डायामी ऑफ रिवेट गिवन है ट्वेंटी एम तो हम निकालेंगे सबसे पहले डायामी ऑफ रिवेट होल <laughs> तो डाया ऑफ ओव... रिवेट होल या फिर इसको हम बोलते हैं ग्रोस डाया डी जीरो ठीक है ये होगा डी आपका 20 mm है पच्चीस mm से कम है पच्चीस mm के इक्वल या पच्चीस एम mm से कम जो अगर आपका डायमीटर ऑफ रिवेट है नॉमिनल डायमीटर तो ग्रोस डायमीटर आपका होता है प्लस वन पॉइंट फाइव एम तो यहां पर ट्वेंटी एमएम mm है पच्चीस एमएम mm से कम है तो कितना हो जाएगा ट्वेंटी प्लस वन पॉइंट फाइव ट्वेंटी वन पॉइंट फाइव एम ठीक है अब हम निकालेंगे सबसे पहले शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट फिर बियरिंग स्ट्रेंथ और तो रिवेट निकालेंगे फिर हम निकालेंगे प्लेट की टीयरिंग स्ट्रेंथ या फिर उसको हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ शेयरिंग के लिए सबसे पहले आप देखोगे किस तरह का है सिंगल शेयर या डबल शेयर है हम देख चुके हैं लेफ्ट जॉइंट में जो आपका शेयर होता है वो सिंगल शेयर होता है परमिसिबल शेयर स्ट्रेस आपको यहां पर गिवन है परमिसिबल शेयर स्ट्रेस गिवन है आपको 80 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर तो हम देखेंगे यहां पर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन सिंगल शेयर स्ट्रेंथ और वेट इन सिंगल शेयर वो क्या होगी पीएस इज इक्वल टू पाई बाई फोर इन डी जीरो स्क्वायर इंटू सिग्मा एसपी पाई बाई फोर डी जीरो स्क्वायर रेजिस्टिंग एरिया सिग्मा एसपी आपकी परमिसिबल शेयर स्ट्रेस ठीक है पी एस आपका हो जाएगा 21.5 वन पॉइंट फाइव का स्क्वायर इन टू यह आपको गिवन है एटी किलो न्यूटन में अगर हम लिखेंगे तो इसको हम कर देंगे टेन की पावर माइनस थ्री से मल्टीप्लाई ट्वेंटी नाइन पॉइंट जीरो फोर किलो न्यूटन थर्ड हम देखेंगे बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल रिवेट बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल रिवेट पी बी इज इक्वल टू डी जीरो इंटू टी इंटू सिग्मा एस बियरिंग परमसिबल बीपी बियरिंग परमिसिबल जो आपकी स्ट्रेस है वो आपको गिवन है यहाँ पर 250 फिफ्टी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ठीक है दोनों प्लेट की थिकनेस सेम है तो टी आपका 12 आ जाएगा और डी जीरो आपका क्या पॉइंट फाइव इज ट्वेल्व एंड टू फिफ्टी इंटू टेन्टी पावर माइनस थ्री फोर किलोमीटर पी बी सिक्सटी फोर पॉइंट फाइव किलो न्यूटन ठीक है ये सिंगल रिवेट की निकाली पर पिच स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट निकालेंगे तो पर पिच में भी आपका एक ही रिवेट आ रहा है अगर दो लाइन होती है तो पर पिच में आपके दो रिवेट आ जाते हैं तो पर पिच स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट जो होगी आपकी पर पिच स्ट्रेंथ रिवेट वो क्या होगी टू पी एस एन इंटू और एन क्या हो जाएगा नंबर ऑफ रिवेट्स एन पर पिच ठीक है तो एन यहाँ पर क्या है एन यहाँ पर वन है क्योंकि एक पिच में एक ही रिवेट आ रहा है और इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो आपका मिनिमम क्या है वो मिनिमम आपका पी है क्योंकि PB की वैल्यू 64.5 है और पीएस की वैल्यू आ रही थी आपकी 29.04, 29.04 किलो न्यूटन आपकी पर पिच स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट है ठीक है जो रिवेट की आप स्ट्रेंथ रखोगे जब आप स्ट्रेंथ के लिए देखोगे प्लेट की प्लेट की स्ट्रेंथ और रिवेट की स्ट्रेंथ में से जो मिनिमम होगा तो उसमें जो रिवेट की स्ट्रेंथ रखोगे वो आपकी इतनी रखोगे ट्वेंटी नाइन पॉइंट जीरो फोर अब लास्ट में हम निकालेंगे पर पिच स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट पर पिच स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट वो क्या होगी पी टी अब पर पिच में अब जो यहां पर हम विड्थ लेंगे वो भी हम कौन सी वाली लेंगे पिच वाली डिस्टेंस की तो कितनी है फिफ्टी और इसमें आपके कितने डिडक्शन आ रहे हैं तो डिडक्शन आपका कितना आ रहा है तो तो आपका ये हो जाएगा इसको P भी बोल सकते हो या, या आप आप डायरेक्टली 50 लिख दो तो P माइनस डी जीरो इन टू टी ये तो रजिस्टिंग एरिया हो जाएगा उस पर पिच वाली विड्थ का इन टू दी सिग्मा सिग्माइटी आपको कितना गिवन है ये आपको गिवन है 156 न्यूटन पर तो ये हो जाएगा 50 माइनस वन इंटू ट्वेंटी क्योंकि ए की डिडक्शन है इंटू ट्वेल्व इंटू वन ठीक है <coughs> तो पी टी और इंटू टेन की पावर माइनस थ्री अगर इसको एनालाइज किया जाए आ रहा है फिफ्टी थ्री पॉइंट थ्री फाइव किलो न्यूटन ठीक है तो ये तीनों स्ट्रेंथ आपने निकाल ली पर पिच स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट निकाल ली पर पिच स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट निकाल ली तो स्ट्रेंथ ऑफ यहां पर फिर से हम लिखेंगे पर पिच स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट ज्वाइंट ये क्या हो जाएगी मिनिमम ऑफ एन आरवी और पी टी ठीक है एनआरवी आपका आ रहा था मिनिमम जो ट्वेंटी नाइन पॉइंट जीरो फोर क्योंकि एन की वैल्यू क्या है आपकी वन और ये आ रही है आपकी फिफ्टी थ्री तो पॉइंट थ्री फाइव स्ट्रेंथ जो होगी आपकी किससे गवर्न कर रही है रिवेट से रिवेट पहले फेल होंगे और प्लेट आपकी मतलब रिवेट आपके पहले फेल हो जाएंगे ठीक है <coughs> तो ट्वेंटी नाइन पॉइंट जीरो फोर जो आपकी स्ट्रेंथ गवर्न हो रही है वो किससे गवर्न हो रही है रिवेट से ठीक है तो ये पर पिच स्ट्रेंथ आपकी निकली है टोटल स्ट्रेंथ हम इसलिए नहीं निकाल पाए क्योंकि आपको गिवन नहीं थे तो हमने एक डोमेन ले लिया डोमेन हमने क्या लिया पर पिच में कितने रिवेट आ रहे हैं और पर पिच के हिसाब से हमने प्लेट की टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाल ली ठीक है अब लास्ट है यहां पर एफिशियंसी एफिशियंसी ऑफ जॉइंट नीटा से रिप्रेजेंट करेंगे एफिशिएंसी क्या होगी पर पर पिच स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन डिवाइडेड बाय पर पिच स्ट्रेंथ ऑफ सोलिड प्लेट जो सोलिड प्लेट की अब यहां पे स्ट्रेंथ निकालेंगे वो भी हम कैसे निकालेंगे पर पिच लेकिन उसमें जब सोलिड जब आ गया तो सोलिड आने का मतलब अब जो आपने डिडक्शन लिया था स्टार्टिंग में डिडक्शन हम यहां पर नहीं लेंगे तो ये होगा पर पिच स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन और पर पिच स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट ठीक है तो ये तो आपकी 29.04 नाइन पॉइंट की पावर 3 न्यूटन सॉलिड प्लेट के लिए हम देखेंगे तो जो आपका यहां पर जो विड्थ है उसकी जगह हम क्या लेंगे 50 तो 50 इंटू थिकनेस 12 इंटू वन फिफ्टी सिक्स इंटू दंड्रेड नीचे जो आपकी वैल्यू आएगी वो न्यूटन में आएगी तो हमने ऊपर वाले को न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया या फिर आप नीचे वाले को किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर लेते तो यहां पर इंटू टेन की पावर माइनस थ्री लिखते तो यहाँ पर टेन की पावर थ्री से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता ठीक है तो ये आपकी एफिशिएंसी हो जाएगी डिवाइडेड बाई जो आपकी एफिशिएंसी आ रही है थर्टी वन पॉइंट जीरो टू जो आपका कनेक्शन है वो थर्टी वन परसेंट इफिशियंट है और होगा भी सही कम एफिशिएंसी आने का रीजन क्या है कि जो आपका जो फेलियर है वो किसका हो रहा है रिवेट आपके पहले फेल हो रहे हैं तो जब हमने मैंने बोला ही था कि जब आपका रिवेट फेलियर होगा रिवेट पहले फेल हो जाएगा तो हम प्लेट की पूरी स्ट्रेंथ को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे तो जो हमारा एफिशिएंट कनेक्शन वो होता कि आपकी प्लेट पहले फेल हो जाती रिवेट से ठीक है तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन को एनालाइज किया जो एस एस में आया था और इसके अकॉर्डिंग हमने ये देखा कि ये किस टाइप का क्वेश्चन था तो ये आपका एनालिसिस प्रॉब्लम थी इसी तरह के क्वेश्चंस को हम आगे स्टडी करते हुए चलेंगे सबसे पहले हम जो लास्ट ईयर वाले क्वेश्चन हैं उनको एनालाइज़ करेंगे उसके बाद में जो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम यहाँ पर एनालाइज़ करेंगे आज के लिए इतना ही थैंक यू